हाय गाइस, वेलकम अगेन। देसी गर्ल इज हेयर। जैसा कि आप जानते हैं कि देसी गर्ल आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग मूवीज, ड्रामा, सॉन्ग्स एंड डिफरेंट टॉपिक्स पर रिएक्शन लेकर आती है। सो गाइस, रिएक्शन देने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, देसी गर्ल चैनल को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए आप लोगों के सजेशन एंड कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आखिर में बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नई नई वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलती रहे। सो गाइज़, आज मैं बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पर रिएक्शन देने जा रही हूँ, और जिस पर मैं आज रिएक्शन देने जा रही हूँ, उस वीडियो का जो है नेम है वह है विच कंट्री सॉन्ग डू यू लाइक द मोस्ट। सो गाइज, आए पहले हम वीडियो देखते हैं और फिर इस पर हम रिएक्शन देंगे। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स सी द वीडियो। I got broads in Atlanta, she's with the V in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. ओके, सबसे पहले इंडियन सॉन्ग आया है। हर कोई चाहे मुझसे मिलना के ना, जिसको भी देखो मिले हो तुम हमको, बड़े नसीबों से चुराया है मैंने मत की लकीरों से। जो जंग खाईला दम रंगीरी मर्दा बलिया, ईमानदारी के टोलाई जो मन दीने मन थी। मैले तो खोजे कई हो रखना फुलाई, मैले तो खोजे कई हो रखना फुलाई, আমার যত্নে করা ভালোবাসা দে ফিরাইয়া দে, আমার অনুভূতির সাথে খেলার অধিকার দিল কে, মায়া তুই বড় অপরাধী তোর ক্ষমা নাই রে। দেব তোকে দেব চলো আনা, করিস না বাহানা, তুমি গলি আজানা। Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Put my name in. What they got you? Don't go where you are. Put your eyes on me. Make it to what you know that you got. None of me come to talk. फ्रेंड,
देखा आपने कि वीडियो के टाइटल से ही जाहिर होता है कि नो डाउट हर कंट्री का जो है अपना अपना तरीका है जो है सॉन्ग्स जो है डेडिकेट करने का, एंड वीडियो के टाइटल से ही हमें पता लगता है विच कंट्री सॉन्ग डू यू लाइक द मोस्ट. सो आई थिंक मैं अगर मुझसे ये सवाल किया गया होता तो मैं तो बॉलीवुड ही कहती, बिकॉज बॉलीवुड के सॉन्ग में जो है ग्लैमर बहुत ज़्यादा मिलता है हमें देखने को, और आई थिंक सॉन्ग में अगर ग्लैमर ना हो तो सॉन्ग का मज़ा नहीं आता, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो सॉन्ग का म्यूज़िक होता है वो हमेशा सॉन्ग को जो है जो हार्ट को टच करना चाहिए. एंड बॉलीवुड सॉन्ग्स आई थिंक ऐसे हैं कि जो उनका जो है म्यूज़िक उनका उनमें जो ग्लैमर नज़र आता है और उनके जो है हर चीज़ में परफेक्शन नज़र आता है, परफेक्ट होती है हर चीज़. मुझे तो बॉलीवुड सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगते हैं, और बॉलीवुड के बाद अब जो है मुझे जो है लॉलीवुड सॉन्ग यानी कि पाकिस्तानी सॉन्ग्स के जो ड्रामा सीरियल्स आते हैं पाकिस्तान में जो उनके जो है ओएसटी मतलब ओरिजिनल जो साउंड ट्रैक होता है उनका जो एक ड्रामे के स्टार्ट में और उनके जो होता है ना वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगने लग गया. अब ज़रा आके आई थिंक पाकिस्तान में भी बहुत ज़बरदस्त गाने बने लग गए हैं. एंड जो है क्यूबी मतलब कुरुतलैन ब्लोज उनकी वॉइस इतनी ज़बरदस्त लगती है, इतनी ज़बरदस्त लगती है उनकी यानी एक खुली वॉइस है उनकी कि सुन के जो है माइंड फ्रेश हो जाता है एकदम. एंड जो है सम्मी महिवाल मैवारी ये सॉन्ग जो है ये कोक स्टूडियो का सॉन्ग है आई थिंक ये, और ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था ये सॉन्ग. एंड पहले आई थिंक ये किसी और सिंगर ने जो है सिंग किया था, लेकिन उसके बाद जब क्यूबी ने इसे सिंग किया तो मज़ा ही आ गया सुनने का. एंड आई थिंक ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैंने बहुत सारी लैंग्वेज के सॉन्ग सुने हैं, और आई थिंक इनमें नेपाली थे, बंगाली थे, तेलुगु थे, एंड बहुत ज़्यादा जो है लैंग्वेज के चेंज सॉन्ग सुने हैं. वरना मैं तो आई थिंक या तो बॉलीवुड के या लॉलीवुड के इससे ज़्यादा यहाँ ज़्यादा पंजाबी सॉन्ग जो देते हैं जो मैं सुनती हूँ, लेकिन ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था. सो मुझे अच्छा लगा सारे जो है सॉन्ग्स, आई थिंक पश्तो वर्जन भी था इसमें, और बहुत ज़बरदस्त लगे मुझे. और जो क्यूबी का था वो तो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त था. एंड उसके बाद नेहा कक्कर दी वन एंड ओनली फेवरेट सिंगर इन बॉलीवुड, एंड आई थिंक बॉलीवुड के सॉन्ग की सॉन्ग में जान डाल देती हैं नेहा कक्कर. बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग सिंग करती हैं, एंड मुझे तो ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद आया जो है मिले हो तुम हमको, और ये रिटर्न किया है टोनी कक्कर ने. एंड टोनी कक्कर जो है नेहा कक्कर के भाई हैं, तो इन दोनों का जब वो आपस में पेयर बनता है तो वो कोई सॉन्ग सिंग करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त लगता है. सो गाइस मेरे हर कंट्री का जो है अपना अपना स्टाइल होता है, अपना अपना जो है एक तरीक़ेकार है सॉन्ग्स को मतलब डेडिकेट करने का. यही कहूँगी मैं कि सारे जो है सॉन्ग्स बहुत ज़बरदस्त हैं एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए. आई होप आप लोगों को भी पसंद आए होंगे. सो आप लोगों का ये भी समझ आ गया होगा कि मैं क्यों कह रही थी कि आज का टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. तो ये था आज का मेरा टॉपिक जिसपे मैं आज रिएक्ट करने वाली थी. सो गाइज मुझे तो ये सारी सॉन्ग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगे. अगर आपको मेरा ये रिएक्शन पसंद आया तो हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है या किसी सॉन्ग मूवी ट्रेलर या फिर किसी भी ऐसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हो तो हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं. हम अपने फ्रेंड की रिक्वेस्ट को ज़रूर पूरा करेंगे. सो गाइज जाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें. आखिर में बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नित नई वीडियोज आपको सबसे पहले मिलती रहे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़ गाइज.